इजाजत चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के शुभारंभ करें। बीसी सर ने हमको इजाजत दे दी है तो मैं उनके आशीर्वाद से इस कार्यक्रम का प्रारंभ करता हूं। जैसे कि हमारे यहाँ पुरातन प्रथा है, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पहले गणपति वंदन होता है, लेकिन आज क्योंकि ये पढ़ने पढ़ाने कविता से संबंधित है तो हम क्यों ना माँ सरस्वती के को याद करें और वो निराला जी के शब्दों में वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे। तो ये हमको नव स्वर दे वीणा वादिनी, ऐसी उनसे प्रार्थना करते हुए हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। और मैं स्वागत भाषण हेतु पांडे जी, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे जी, अध्यक्ष हिंदी पखवाड़ा संचालन समिति जो कि वर्तमान में निर्देशक अनुवाद अध्ययन विद्यापीठ इग्नू में है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो स्वागत भाषण पांडे जी। धन्यवाद भूपेश जी। आदरणीय प्रोफेसर नागेश्वर राव, माननीय कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, जिनके गतिशील एवं कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय तीव्रतर प्रगति कर रहा है और उसको नवोत्कर्ष प्राप्त होता जा रहा है। आज आयोजित इस कवि सम्मेलन के लब्ध प्रतिष्ठ कविगण सर्वश्री माधव कौशिक जी, जो गजलकार भी हैं और साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी जिन्होंने यशस्वी कविताएं लिखी हैं और अनेक भाषाओं में लिखी हैं जिनमें पंजाबी भी शामिल है, और वर्तमान में ये निदेशक हैं हरियाणा साहित्य अकादमी के, श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी प्रसिद्ध कवि हैं जो अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वे पूर्व उप महानिदेशक हैं आकाशवाणी के और इन्होंने जी जुड़ा हुआ। स्वागत है आपका जी। और आकाशवाणी के पूर्व उप महानिदेशक हैं, अच्छे प्रसारण प्रवक्ता हैं और यशस्वी हस्ताक्षर हैं रेडियो प्रसारण के। उसके अतिरिक्त हमारे साथ जुड़ी हैं यशस्वी कवियत्री एवं पत्रकार आदरणीय ममता किरण जी, विश्वविद्यालय के समकुलपति प्रोफेसर सत्यकाम जी, प्रोफेसर क्षिति भूषण दास जी, प्रोफेसर आरपी दास जी, कुल सचिवगण, विद्यापीठों के निदेशक तथा प्रभागों के अध्यक्ष और वर्चुअल मोड में यानी आभासी माध्यम से उपस्थित समस्त जनवृंद, सभी महानुभाव, आप सभी का हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित इस कवि सम्मेलन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज कई कारणों से ये विशिष्ट है, जैसे अभी भूपेश जी ने चर्चा की कि ये अधिमास है और अधिमास में एक उसका अलग सांस्कृतिक महत्व है। एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, जो आधुनिक भारत के सांस्कृतिक राष्ट्र निर्माता हैं, जिन्होंने एकात्म मानववाद नामक अवधारणा की प्रस्तुति की और मानवीयता को और सांस्कृतिक वैभव को नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इन दो महत्वपूर्ण स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज का कवि सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज विश्वविद्यालय में अनेक गतिविधियां सक्रिय रूप से हो रही हैं और जैसी हमारी परंपरा है हम परंपरा का अनुपालन तो करते ही हैं, लेकिन केवल कर्मकांड नहीं है करते हैं। हिंदी के संदर्भ में हिंदी पखवाड़ा सिर्फ पखवाड़े तक ही नहीं चलता है बल्कि हम उसका क्रियान्वयन भी करते हैं, और इसके सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है स्वयं आदरणीय कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, जो बहुभाषाविद हैं, हिंदी अंग्रेजी
और तेलुगु के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के भी ज्ञाता है और भाषा के प्रति जो उनका स्नेह है, प्रेम है, खास तौर से राष्ट्रभाषा और राज संघ की राजभाषा हिंदी के प्रति, वो विशेष रूप से हम जैसे लोगों को प्रेरित करती है कि गैर हिंदी भाषी होकर के भी वो कहीं भी यह अनुभव नहीं कराते हैं कि वे हिंदी तर क्षेत्र के हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हम लोगों को प्रेरणा देते रहते हर स्तर पर प्रोत्साहन का जो भाव है और एक वरद हस्त जो प्राप्त होता है, संरक्षक की जो भूमिका उनकी रहती है, वो विशेष रूप से रेखांकित करने योग्य है। हिंदी पखवाड़ा संचालन समिति की ओर से जो भी प्रयास हुए उसमें विशेष अनुकंपा की है प्रोफेसर सत्यकाम जी ने, जो समय समय पर मार्गदर्शन देते रहे हैं, और ये कवि सम्मेलन भी उनकी ही प्रेरणा और उनके ही प्रोत्साहन का परिणाम है। विभिन्न रूपों में ये देखा जाए कि अगर भौतिक रूप से हम इसको नहीं क्रियान्वित कर पा रहे हैं, वर्चुअल मोड में कर पा रहे हैं, तब भी ये उतना ही फलितार्थ होगा, मुझे ऐसा आभास होता है, जितना हम भौतिक रूप से या प्रत्यक्ष उपस्थित के माध्यम से हम करवा पाते। इसके अतिरिक्त जो कविताएं आज सुनी जाएंगी, मुझे लगता है इन लोगों की कविताओं से मैं गुजरा हूँ, उनका पाठक रहा हूँ, श्रोता भी रहा हूँ, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें संवेदित भी करेंगी, जागरूक भी करेंगी और उद्वेलित भी करेंगी, प्रेरित भी करेंगी, और सबसे बड़ी बात है कि मानवता का ऐसा पक्ष प्रस्तुत करेंगी जो हमें ज्यादा प्रेरक और संवेदनशील बनाएगा और हमें साहित्यिक दृष्टि भी देगा और मानवीय संवेदना भी। ज्यादा विस्तार से चर्चा न करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा ही नहीं विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो लब्ध प्रतिष्ठ आमंत्रित कविगण हैं, वे जो कविताएं पढ़ेंगे उनसे हम संवेदित होंगे और हमारी भावनाएं भी प्रेरित होगी, मानवता का एक तरह से पुनर्रेखांकन होगा और हमारे भीतर स्वराग की जो भावना है उससे हम ऊपर उठेंगे और हम एक ऐसी दुनिया में जाएंगे कुछ क्षण के लिए सही, जिसमें हम काव्यानंद, जैसे हमारी परंपरा है काव्यानंद ब्रह्मानंद स्वाद सहोदर, उस दृष्टि की ओर कम से कम कुछ पल के लिए ही चलेंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी का एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन। इसके बाद मैं भूपेश जी से अनुरोध करता हूँ कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी, आपने बहुत खूब कहा कि ये संवेदना के नए बिंदुओं को इस कवि सम्मेलन के माध्यम से छुआ जाएगा और क्या क्या अंदर से भाव उभर के हमारे आएंगे, ये अभी आने वाला कुछ अगले पल बताएंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मार्गदर्शक पिता तुल्य कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो उद्घाटन संबोधन करें। कुलपति महोदय। दिवस के अवसर पर जो पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं उसके तहत यह जो कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसके लिए स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन को बधाई। और हमारे पास जो बड़े बड़े कवि जो यहाँ आए हुए हैं उनका भी अभिवादन और स्वागत, आदरणीय माधव कौशिक जी, चंद्रशिखा जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, ममता किरण जी, इनमें से मैं शायद दो लोगों को पहले भी सुन चुका हूँ और हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है कि जो कविताएं हैं उस पर हम लोग इस तरह से अपनी अभिरुचि दिखा रहे हैं। और यह जो जब हम लोग साहित्य बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो मन है, हृदय है, वह छू नहीं पाता, लेकिन जब कविताएं बोलते हैं तो कविताओं हृदय से निकलती हैं, मन से निकलती हैं।
तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह कवि सम्मेलन आयोजित किया है। और इसमें हम लोगों का उद्देश्य है कि हिंदी के प्रति जो हम लोगों का प्रेम है, हिंदी को आगे बढ़ाने के प्रति जो हम लोगों की संवेदना है, हमारे विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, शिक्षकों के मन में एक प्रकार इच्छा है कि किस प्रकार से हम हिंदी का प्रयोग आगे बढ़ाएं। तो अगर बिल्कुल अगर कोई बात निकलेगी कविता के रूप में तो हम लोगों को छू जाएगी और हम लोग उसका निश्चित रूप से फायदा उठाएंगे। कई बार घंटों के भाषण से वो प्रभाव नहीं पड़ता, जो चार लाइन की कविता अगर कोई पढ़ देता है तो वह दिल को छू जाती है। हम तो इन कवियों की कविताओं को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें चाहिए कि हम ज्यादा समय न लें, फिर वही बात हो जाएगी कि भाषण हैं और फिर वो भाषण किसी के दिल को नहीं छू पाएगा। कविता लोगों के दिल को छुएगी और इससे हिंदी का प्रचार और प्रसार बेहतर ढंग से हो जाएगा और हमारे विश्वविद्यालय में एक ऐसा माहौल बनेगा कि लोग हिंदी, हिंदुस्तान और हम सब मिलकर एक ही तरह से हिंदी के प्रति अपनी निष्ठा और बेहतर ढंग से दिखा पाएंगे। तो मैं इस अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और मैं उपस्थित हूं और मैं सुनना ज्यादा पसंद करूंगा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर आपके आशीर्वचनों के लिए और मार्ग प्रशस्त करने के लिए। कवि सम्मेलन में प्रथम डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी को मैं आमंत्रित करूं, इससे पहले मैं महादेवी वर्मा जी की तीन पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिफल, प्रियतम का पथ आलोकित। तो आज जो पथ आलोकित होने वाला है तमाम संवेदनापूर्ण रचनाओं से, उसमें मैं सर्वप्रथम डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी को आमंत्रित करता हूं। एक संक्षिप्त सा परिचय देने की दृष्टता करूंगा। डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी वरिष्ठ कवि, निदेशक हरियाणा साहित्य अकादमी। इनका जन्म पाक पत्तन, जो कि अभी पाकिस्तान में है, 1945 में हुआ। और जहां तक मुझे मालूम है पाक पत्तन यानी कि प्योर डॉक, ऐसा बंदरगाह जो शुद्ध है, प्योर है, क्योंकि वो सतलज नदी के जल से सींचा हुआ है। और वहां बाबा फखरुद्दीन गंज शकर, जिनको हम प्रेम से बाबा फरीद के नाम से जानते हैं, उनकी वो कार्यस्थली थी। ऐसी चिश्तिया परंपरा के सूफियाना मिट्टी में जन्मे हुए डॉक्टर त्रिखा जी, तो उनके व्यक्तित्व में, उनके कृतित्व में वो भाव आना स्वाभाविक है। डॉक्टर साहब ने एमए साहित्य रत्न से एमए किया साहित्य रत्न, तत्पश्चात पीएचडी। और मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि उनका कार्यक्षेत्र तब से चल रहा है जब मैं अभी मात्र कुछ माह का था, मेरा जन्म हुआ हुआ था, तब से डॉक्टर साहब इतने विशाल कार्य में संलग्न हैं। पत्रकारिता संपादन, 22 से अधिक कृतियां प्रकाशित हैं, और भी बहुत होंगी जिनसे मैं वाकिफ नहीं हूं, अगर कोई गलती कर रहा हूं तो डॉक्टर साहब क्षमा करेंगे मुझे। विभाजन के ऊपर उन्होंने काफी कुछ कहा है, वो स्वयं इससे, इसके दर्द से गुजरे हैं। मैं भी अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से विभाजन की उस यातनाओं को सुनता था। तो नोटिस डेली, विभाजन का काला अध्याय, कैसे भूले आपातकाल का दंश, मीडिया यात्रा, विभाजन बनाम स्थापन। आपने सर किसी एक जगह पे ये कहा था और मैंने उस बात को नोट किया था, तीन लाइनें में आपकी आपको कहने के लिए इजाजत चाहता हूं सर। उग आई खौफ की फफूंदी, उग आई खौफ की फफूंदी, मक्की की रोटी पर, सरसों के साग पर।
आई खौफ की फफूंदी, मक्की की रोटी सरसों के साग पर भंगड़ा कैसे पड़े, ढोली के सदे हाथ आप कहां जाने। कितनी जो यातनाएं थी उसको आपने कितना सिर्फ तीन लाइन में बोल दिया, और जहां तक मुझे मालूम है उसके ऊपर आपको बहुत कुछ खुद भी सहना पड़ा था। अब मैं और अधिक नहीं कहूंगा, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि अपनी रचनाओं से हम लोगों को नमस्कार। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने बड़े स्नेह के साथ मुझे प्रस्तुत किया है, और मैं भी कोशिश करूंगा कि जो भी बोलूं सच सच बोलूं और सच के सिवा कुछ ना बोलूं। और ये बात मैं कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिन परिस्थितियों का आपने जिक्र किया मैं उनसे जुड़ी हुई कुछ बातों को लेकर उन पर आधारित एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और कविता से पहले एक गजल की कुछ पंक्तियां, और ये गजल के यहाँ पुरोधा बैठे माधव कौशिक, ये बड़े खतरनाक गजल गो हैं, और उनके सामने गजल की बात करते कई बार भय भी लगता है, आतंक होता है इनका। बहरहाल गजल की कुछ पंक्तियां सुन लीजिए कि कैसे उम्र गुजारी लिख, कि कैसे उम्र गुजारी लिख और मकसद की बीमारी लिख, कि कैसे उम्र गुजारी लिख मकसद की बीमारी लिख, और क्यों गोदान न हो पाया धनिया की लाचारी लिख, कि क्यों गोदान न हो पाया धनिया की लाचारी लिख। और हंसती थी रो देती थी, कि हंसती थी रो देती थी किस्सा राजकुमारी लिख, और नस्लें कहीं उदास न हो, कि नस्लें कहीं उदास न हो मुस्कानों से यारी लिख, और आधे सच की आदत छोड़, कि आधे सच की आदत छोड़ और पीर पराई सारी लिख, और जुगनू से किरणें मांगे, कि जुगनू से किरणें मांगे सूरज बना भिखारी लिख, कि जुगनू से किरणें मांगे सूरज बना भिखारी लिख, और खुद को छलते उम्र कटी, खुद को छलते उम्र कटी लिख अपनी अय्यारी लिख, कैसे उम्र गुजारी लिख और मकसद की बीमारी लिख। कविता मेरी समर्पित है, कुछ परिवेश में उसका नहीं बताना चाहूंगा, कविता अपने आप बयान करेगी। कि अनगिनत मासूम लोगों के शवों पर, कि अनगिनत मासूम लोगों के शवों पर और जिंदगी को हादसे की शक्ल देकर, कि जिंदगी को हादसे की शक्ल देकर और नाखूनों को मांस पेशी से छटक कर और सांस को संवेदनाओं से अलग कर, किस तरह काली नदी के इन मुहानों पर कोई भी घर बनेगा। कि अनगिनत मासूम लोगों के शवों पर और जिंदगी को हादसे की शक्ल देकर, नाखूनों को मांस पेशी से छटक कर और सांस को संवेदनाओं से अलग कर, किस तरह काली नदी के इन मुहानों पर कोई भी घर बनेगा। कि जिंदगी बंदूक की गोली नहीं है, कि जिंदगी बंदूक की गोली नहीं है, जिंदगी आतंक का दर्पण नहीं है, कि जिंदगी मासूम से उड़ते परिंदे की रगों में कैद धड़कन है, कि जिंदगी मासूम से उड़ते परिंदे की रगों में कैद धड़कन है, कि जानता हूं अब तुम्हारा हो गया आकाश छोटा, कि जानता हूं अब तुम्हारा हो गया आकाश छोटा, और सियासत की गुलेलें भी तुम्हारे हाथ में हैं, और सियासत की गुलेलें भी तुम्हारे हाथ में हैं, पर याद रखो, याद रखो इन रगों में कैद धड़कन रुक गई तो, कि याद रखो इन रगों में कैद धड़कन रुक गई तो रोशनी आकाश पानी और इस काली नदी के इन मुहानों पर ना भूगोल सब कुछ रेत बनकर ढांप लेंगे इस शहर को, जिस शहर में सिर्फ कल की बात है भंगड़े पड़े थे और गिद्धा उड़ी थी, ढांप लेंगे इस शहर को जिस शहर में सिर्फ कल की बात है भंगड़े पड़े थे और गिद्धा बोलियां डाली गई थी। एक प्रश्न है कि कौन सी पहचान तुम आखिर बनाना चाहते हो।
कि कौन सी पहचान तुम आखिर बनाना चाहते हो, कि गोलियों के शोर में तुम किस तरह सिमरन करोगे और चंद दुकानें जलाकर, और चंद दुकानें जलाकर आग की उस रोशनी में कौन सी गीता सुनोगे, कि कान बहरे हो चुके हैं दोस्त, कि कान बहरे हो चुके हैं दोस्त, अब पर्दा गिराओ और हो सके तो वक्त है अब भी घरों को लौट जाओ, कि हो सके तो वक्त है अब भी घरों को लौट जाओ और फिर सांकल चढ़ाकर आईने के सामने कोशिश करो खुद को जरा पहचानने की, और फिर सांकल चढ़ाकर आईने के सामने कोशिश करो खुद को जरा पहचानने की, और देखो किस तरह की जंगली तहजीब चेहरों पर उगी है और किस कदर खुद को पराए लग रहे हो। तो वाजपेयी जी, मैं आपसे भी मुखातिब हूं कि किस कदर खुद को पराए लग रहे हो, कि छप रही खबरें कि यूं सभी कुछ चल रहा है, कि यूं सभी कुछ चल रहा है, छप रही खबरें धड़ल्ले से सभी अखबार में डूबे हुए हैं, अब मगर अब सब सुर्खियां मध्यम, अब कहीं दो चार मर भी जाएं तो कोई कहीं मई शामों गुनगुनी धूप की बातें करते हैं, क्या जब हत्याएं अपनी रोजमर्रा जिंदगी का सहज हिस्सा बन चली हैं, हम कहां पर बादलों की, गुलशनों की, तितलियों की, खुशबुओं की, सुरमई शामों गुनगुनी धूप की बातें करेंगे, इसलिए बस इसलिए है दोस्त अब पर्दा गिराओ, दोस्त अब पर्दा गिराओ। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये रचना डॉक्टर साहब कितनी समसामयिक है, चंद रोज पहले तक यहाँ दिल्ली जैसी जगहों पर ये होता है तो हम बाकी की दुनिया का, दूर दूराज की दुनिया का क्या जिक्र करें, हमारे ही मुहाने पे, हमारे दरवाजों पे वो काली नदी है खड़ी है, क्या कहेंगे जी? मैं जब विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तब मैं पंजाबी सीख रहा था, पंजाबी भाषा, तो उस समय में हमारी टीचर होती थी, उन्होंने कहा कि तुम अमृता प्रीतम जी की वो कविता जरूर पढ़ो कि अज आखा वारस शाह नो कि ते कबरा विच्चों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्गा, रोई सी एक धी पंजाब दी, रोई सी एक धी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे वैन अज लखां धियां पियां रोंदियां तनु वारिस शाह नू कहण। तो ये तो दिल्ली जैसे शहर में कौन वारिस शाह आएगा जो उस रचना को, दर्द को उठाएगा, और वही दर्द आज आपने ये रचना कब की मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत समसामयिक है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको ऐसी रचना का, हमको श्रवण आपने अपनी गुरगंभीर वाणी में कराया, बहुत हम लोग आभारी हैं। हार्दिक धन्यवाद आप सबका। आप और कोई भी रचना पढ़ना चाहें, अगर समय अनुमति दे तो गजल और के सामने। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत डॉक्टर साहब, स्वागत सुनाइए। धन्यवाद। एक गजल के कुछ एक शेर और सुन लीजिए। जी जी, कि मन का बोझीलापन धोले, कि मन का बोझीलापन धोले, चलो नई वेबसाइट खोले, कि मन का बोझीलापन धोले, चलो नई वेबसाइट खोले, कि राख बनी रिश्तों की जुम्बिश, कि राख बनी रिश्तों की जुम्बिश, आओ थोड़ा थोड़ा रोले, कि राख बनी रिश्तों की जुम्बिश, आओ थोड़ा थोड़ा रोले, कि बहुत हुआ अब चैनल बदलो, कि बहुत हुआ अब चैनल बदलो, तुम भी सो लो हम भी सो लो, कि बहुत हुआ अब चैनल बदलो, तुम भी सो लो हम भी सो ले। और एक और के दो तीन अशआर सुन लीजिए, शेर दो तीन जी। धड़कनों का हिसाब रखते हैं, कि धड़कनों का हिसाब रखते हैं, जहन में आफताब रखते हैं, कि धड़कनों का हिसाब रखते हैं, कि जहन में आफताब रखते हैं, कि अब कोई भी सवाल पूछो यक्ष, कि अब कोई भी सवाल पूछो यक्ष, अब तो सबका जवाब रखते हैं,
कि आंधियां, अब तो कोई सवाल पूछो यक्ष, अब तो सबका जवाब रखते हैं कि आंधियां इसको क्या बुझाएंगी, आंधियां इसको क्या बुझाएंगी, और हाथ में आफताब रखते हैं और एक मुट्ठी तनी ही रहती है, कि एक मुट्ठी तनी ही रहती है, दूसरी में गुलाब रखते हैं, एक मुट्ठी तनी ही रहती है, दूसरी में गुलाब रखते हैं, कि धड़कनों का हिसाब रखते हैं और जहन में आफताब रखते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी कविता है। एक मुट्ठी तनी रखते हैं और एक में गुलाब रखते हैं, बहुत सुंदर। सारे यक्ष प्रश्न अब समाप्त जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमको ये ज्ञात हुआ है कि आपका कहीं पर कार्यक्रम है या आप व्यस्त हैं, तो हम उसके लिए मैं आभारी हूँ आप सबका। आपने मुझे सुना और मुझे प्रोत्साहित भी किया, इस उम्र में प्रोत्साहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। सर आपका आपका वरद हस्त हम लोगों पर रहे और रचनाएं ऐसी आती रहें अंदर से, तो हम जैसों को भी शायद कोई एक एक प्रेरणा, एक स्फुरण हो, एक जुगनू के रगड़ से हम भी कुछ चमक जाएं आफताब के सामने। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत। मीर का एक शेर बहुत सुंदर सा है, मैं वो उद्धृत करना चाहूंगा। जी जी। मीर तकी मीरची जी, सिरहाने मीर के कोई ना बोलो, सिरहाने मीर के कोई ना बोलो, अभी टुक सो गया है रोते। बहुत खूब। तो बहुत। लेकिन आप जब बोलेंगे तो हम जागते ही जाएंगे, हम सोने वाले नहीं है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मातृशक्ति की तरफ बढ़ेंगे, जिसके बिना ये संसार अधूरा है। हमारे हमको ज्वाइन किया है ममता जी ने, ममता किरण जी वरिष्ठ कवियत्री हैं, उनका मैं परिचय दूं। इससे पहले मैं उन्हीं की दो लाइनें उनकी इजाजत से उद्धृत करना चाहता हूं। कच्चा मकान तो ऊंची इमारत में ढल गया, कच्चा मकान तो ऊंची इमारत में ढल गया, आंगन में जो रहती थी उसको चिड़िया किधर गई। माँ का जो कलेजा होता है वो हम पुरुषों के बस का नहीं है, उसकी थाह पाना, उसको समझना, हम उसकी चेष्टा भी करें तो हम पुरुष नहीं पा सकते। स्त्री पुरुष के अंतर को निभा सकती है, समझ सकती है, दृढ़ता ला सकती है, लेकिन हमारे अंदर माँ की कोमलता पुरुष के अंदर नहीं आ सकती। तो मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं मैं। ममता जी का मैं एक बहुत ही संक्षिप्त सा बस परिचय देने की दृष्टता करूंगा, आपकी इजाजत है मैम। जी जी, परिचय बस कविता ही परिचय है। और आप जैसे एक वो गीत है कि मेरी आवाज ही पहचान है, तो लेकिन फिर भी उस पहचान को एक आवरण थोड़ा सा और देने से हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। अनेकानेक वर्षों तक पत्रकारिता की, लगभग शायद 15 वर्षों तक, उसके बाद स्वतंत्र लेखन में आप आए, एमए अर्थशास्त्र, रेडियो, दूरदर्शन, प्रिंट मीडिया, कविता पाठ, आपने तो हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी लेखन किया है जी। तो आप हमारे परिवार का पहले से ही हिस्सा हैं। बिल्कुल। आंगन का शजर जैसी पुस्तक, फिर वो हाइकू, हाइकू में लोग बहुत कम लिखते हैं, आप हाइकू में भी लिखती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़कर, ये आपके बारे में जानकर।
अनेकानेक देशों में आपके काव्य पाठ रहे हैं, पार्लियामेंट में राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान आपने प्राप्त किया, आपकी अनेकानेक रचनाओं को कवियों संगीतकारों ने संगीतबद्ध किया है और उनको आवाज दी गई है। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं ममता जी कि अपनी मधुर वाणी में अपने हृदय के उद्गारों को कविता के माध्यम से व्यक्त करें और हम लोगों के हृदय को झंकृत करें। ममता जी जी बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश जी, और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, माननीय कुलपति महोदय और प्रोफेसर सत्यकाम जी, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे जी, माधव कौशिक जी, और अभी डॉक्टर साहब ने बहुत, डॉक्टर चंद्रिका जी ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, गजल सुनाई, वाजपेयी जी, और जितने भी लोग यहाँ पर और इस विश्वविद्यालय के जितने भी कार्यकारी लोग, पदाधिकारी लोग और विद्यार्थी लोग, जितने भी सब जुड़े, उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ ये जिस पखवाड़ा हम मना रहे हैं इसके लिए। और यहीं से अपनी एक बात दो मुक्तकों के माध्यम से हिंदी को लेकर के कहती हूँ कि हिंदी हमसे क्या कह रही है, हिंदी अपनी तरह से आगे बढ़ रही है। तो पहले तो जिसके निमित्त ये कार्यक्रम हो रहा है, तो दो मुक्तक यहाँ से सुन लीजिए। कि नजरे सहानुभूति की मुझ पर न डालिए, कि नजरे सहानुभूति की मुझ पर न डालिए, बस रस्म निभाने की रस्म मत निभाइए। कि नजरे सहानुभूति की मुझ पर न डालिए, बस रस्म निभाने की रस्म मत निभाइए। मेरे ही बोल थे जो कहा पहली बार माँ, कि मेरे ही बोल थे जो कहा पहली बार माँ, इस बात को न दिल से कभी भी भुलाइए, इस बात को न दिल से कभी भी भुलाइए। और इस मुक्तक में देखिए हिंदी क्या कह रही है, कि जिसमें सुनी है लोरियां बचपन में आपने, कि जिसमें सुनी है लोरियां बचपन में आपने, जिसमें सजाए सपने हैं यौवन में आपने, कि जिसमें सुनी है लोरियां बचपन में आपने, जिसमें सजाए सपने हैं यौवन में आपने, करते हैं प्रार्थनाएं जिसमें आप सभी लोग, कि करते हैं प्रार्थनाएं जिसमें आप सभी लोग, उस हिंदी को रोपा नहीं क्यों मन में आपने, कि उस हिंदी को रोपा नहीं क्यों मन में आपने। तो ये तो मैंने दो मुक्तक प्रस्तुत किए, और हमारी माँ मातृभाषा माँ बोली, उसके लिए बहुत बहुत सुंदर मुक्तक थे आपके ये, बहुत शुक्रिया। और कुछ दोहों से जोड़ती हूँ आपको, सुनिएगा। हर घर से बच्चे बाहर हैं तब कहती हूँ, कि बच्चों को पर क्या मिले छोड़ गए वो साथ, कि बच्चों को पर क्या मिले छोड़ गए वो साथ, दीवारे ही बच गई कि दीवारे ही बच गई जिनसे कर लो बात, कि दीवारे ही बच गई जी शुक्रिया, दीवारे ही बच गई जिनसे कर लो बात, और बच्चे परदेसी हुए सूने घर संसार, कि बच्चे परदेसी हुए सूने घर संसार, इंटरनेट पर ही मने अब सारे त्योहार, कि इंटरनेट पर ही मने अब सारे त्योहार। और ये भी दोहा सुनिए, कि बहने दो रोको नहीं आंखों से ये नीर, कि बहने दो रोको नहीं आंखों से ये नीर, कुछ हल्की हो जाएगी कि कुछ हल्की हो जाएगी मन की भारी पीर, कि कुछ हल्की हो जाएगी मन की भारी पीर। और विज्ञापन में छा रहा रिश्तों का जो जाल, कि विज्ञापन में छा रहा रिश्तों का जो जाल, जीवन में आ जाए तो हो जीवन खुशहाल, कि जीवन में आ जाए तो हो जीवन खुशहाल। और अच्छा हो या फिर बुरा, कि अच्छा हो या फिर बुरा दोनों को ले साथ, कि अच्छा हो या फिर बुरा दोनों को ले साथ, जीवन चलता किस तरह फिर देखो निर्बाध, कि जीवन चलता किस तरह फिर देखो निर्बाध। और ये अंतिम दोहा पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। कि वश में करने जब उसे काम न आई मंत्र,
कि वश में करने जब उसे काम न आए मंत्र है गवाह इतिहास तब रचा गया षड्यंत्र, कि है गवाह इतिहास तब रचा गया षड्यंत्र। और गजल की तरफ चलती हूँ और एक गजल के कुछ शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी जरूर। कि आवाज दे के पंछियों को पास बुलाओ, आवाज दे के पंछियों को पास बुलाओ, मिलता है सुकून प्यार से दाना जो चुगाओ, मिलता है सुकून प्यार से दाना जो चुगाओ। और शेर पढ़ती हूँ सुनिएगा। कि मोबाइलों में जोड़ते हो गैरों से रिश्ते, मोबाइलों में जोड़ते हो गैरों से रिश्ते, आपस के फासले है जो उनको भी मिटाओ, आपस के फासले है जो उनको भी मिटाओ। और आधी आबादी की तरफ से शेर पढ़ रही हूँ सुनिएगा। कि सागर में फना होने से पहले नदी सुनो, सागर में फना होने से पहले नदी सुनो, दुनिया को जरा दास्ता कुछ अपनी बताओ, दुनिया को जरा दास्ता कुछ अपनी बताओ। और शेर पढ़ती हूँ सुनिएगा। कि वो लौट रही दाना लिए अपने घरों को, वो लौट रही दाना लिए अपने घरों को, दीवार से उन चींटियों को तुम न गिराओ, दीवार से उन चींटियों को तुम न गिराओ। और शेर पढ़ती हूँ सुनिए। कि तन्हाइयों की कैद से हो जाओगे रिहा, तन्हाइयों की कैद से हो जाओगे रिहा, बस्ती में कह कहो कि पतंगे जो उड़ाओ, कि बस्ती में कह कहो कि पतंगे जो उड़ाओ। बहुत शुक्रिया। और शेर इस गजल का अंतिम शेर पढ़ रही हूँ सुनिएगा। कि हर एक शय में जब कि वो मौजूद है किरण, हर एक शय में जब कि वो मौजूद है किरण, मत कह दे उसे मंदिर मस्जिद के दिलाओ, मत कैद उसे मंदिर मस्जिद के दिलाओ, आवाज दे के पंछियों को पास बुलाओ, मिलता है सुकून प्यार से दाना जो चुगाओ। जी और जी बहुत शुक्रिया। और एक कविता और एक गजल और पढ़ती हूँ, उसके बाद शायद मेरा समय समाप्त हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आप ऐसे नहीं आने देंगे। एक छंद मुक्त कविता पढ़ रही हूँ और इसका शीर्षक है इंतजार। आज का जो समय है, आजकल जिस तरह से चल रहा है, वो इस कविता में सुनेगा। कि आज रविवार है फिर भी पूरे घर में पसरा है सन्नाटा, सोच रही थी बूढ़ी माँ। कि आज रविवार है फिर भी पूरे घर में पसरा है सन्नाटा, सोच रही थी बूढ़ी माँ। एक वो दिन थे जब रविवार का दिन आम दिनों से अलग होता था। हम पांच भाई बहन दिन भर साथ जो होते, झगड़ते तो दादी बाबा करते बीच बचाव, सप्ताह भर के कपड़े धुलते, कुछ ऐसा विशेष खाना बनता जो आम दिनों में ना बन पाता। हम बहनों के सर पर माँ सप्ताह भर के लिए तेल डालती, तेल डालने के साथ ही रोप देती हमारी सीमाएं, हमारे दायित्व, तो हमारे कर्तव्य। रिश्तेदारी में भी कोई ना कोई आ ही धमकता, जैसे आज बिन बताए आ धमकते हैं संदेशे मोबाइलों में। कि रिश्तेदारी में भी कोई ना कोई आ ही धमकता, जैसे आज बिन बताए आ धमकते हैं संदेशे मोबाइलों में। पर आज बेटा बहू और पोती के लिए रविवार का मतलब है देर तक सोना, देर से नहाना, नेट पर चैटिंग, मल्टीप्लेक्स में पिक्चर, खाना बाहर, घर में कुछ नहीं, सबसे दूर, अपने में व्यस्त।
पूरा हफ्ता करती हूँ इंतजार रविवार का कि पूरा हफ्ता करती हूँ इंतजार रविवार का कि रोज का सन्नाटा टूटेगा रविवार को, बेटा बहू साथ बैठेंगे, पोती उछल कूद करेगी खरगोश की तरह, पर इंतजार इंतजार ही रह जाता है, पर इंतजार इंतजार ही रह जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर जी, जी बहुत शुक्रिया। अरे रविवार तो ऐसे ही जी सुने से जी, तो बहुत शुक्रिया। और बस अब चलते चलते एक गजल के कुछ शेर और पढ़ देती हूँ, और आज का जो समय है उसे अपने जहन में रखिए और इस गजल के कुछ शेर तीन चार शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद अपने काव्य पाठ को विराम देती हूँ। सुनेगा कि जिसे समझ गम गुसारे अपना, वो दर्द अपना बता रहा है, जिसे समझ गम गुसारे अपना, वो दर्द अपना है, वही बढ़ा देगा दर्द उसका, वही बढ़ा देगा दर्द उसका, दया वो केवल दिखा रहा है, जिसे समझ हम गुसारे अपना। और शेर देखिएगा कि कभी ना पूछे जो हाल मेरा, कभी ना पूछे जो हाल मेरा, कहा वो कैसे किधर थे अब तक, वही है हमदर्द जैसे सच्चा, कि वही है हमदर्द जैसे सच्चा, मिला तो ऐसे जता रहा है कि वही है हमदर्द जैसे सच्चा, मिला तो ऐसे जता रहा है, जिसे समझ हम सारे अपना। और शेर पढ़ती हूँ सुनिएगा। आजकल हम लोग प्रचार पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन प्रचार की जगह हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें कि दिया है माटी कि सोने का वो, न फर्क कुछ भी पड़े है इससे, दिया है माटी कि सोने का वो, न फर्क कुछ भी पड़े है इससे, ये जानना है बहुत जरूरी, ये जानना है बहुत जरूरी, उजाला कितना बढ़ा रहा है, जिसे समझ हम गुसारे अपना। और इस गजल का अंतिम शेर पढ़ रही हूँ, सुनिएगा कि नाकामयाबी मिलेगी उनको, नाकामयाबी मिलेगी उनको, जो बो रहे बीज नफरतों के, नाकामयाबी मिलेगी उनको, जो बो रहे बीज नफरतों के, वतन की मिट्टी में है वो जादू, वतन की मिट्टी में है वो जादू, जो सबके दिल को मिला रहा है। शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारे अपना, वो दर्द अपना पता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी। आपके इतवार से मुझको कुछ पंक्तियां याद आ रही थी, कैसे सुने सुने से इतवार होते हैं, कभी कैसे इतवार हुआ करते थे, तो आप सबकी इजाजत से वो कुछ लाइनें मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। छज्जे से तनिक झांक कर देखें, छज्जे से तनिक झांक कर देखें, अलस सुबह का मौसम, कुछ पत्ते बेलौस से उड़ते जाते, पिछड़ गए लगता अपने पेड़ से, किसी गौरैया से मुलाकात हो गई, हवा की ताजगी उड़ते उड़ते कानों में फुसफुस आई, कब तक भला यूं ऊंघते रहेंगे, सब इतवार में सो रहे हैं, कब तक भला यूं ऊंघते रहेंगे, कंबल की ऊनी महक सूंघते रहेंगे। क्या बात, माना कि आज इतवार है, माना हम लोग इतवार को इतवार बोलते हैं अक्सर, माना कि आज इतवार है, सूरज को भी पता हो गया ये, तभी ना कोहरे की चादर में सिमट कर,
अपनी ही गर्मी से लिपटकर मना रहा है छुट्टी। वाह वाह। मगर मैं क्या करूं, झांका किया छज्जे से बार बार, अनेक बार लगातार, यार कोई तो आ जाओ, इस इतवार को इतवार बना जाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह। कोई आता नहीं है, फिर हम लोगों से कहते हैं कि मेहमान क्यों नहीं आते। हम खुद कहीं नहीं जाते तो मेहमान क्यों नहीं जाते। तो ममता जी, आपको धन्यवाद कहने से पहले वो चार लाइनें अगर आप हमें बता सुना दें अपनी वाणी से, कि सारी दुनिया के सवालों से बचा लूं। अच्छा अच्छा, चलिए सुना देती हूँ। कि देखिए, पूरी दुनिया में, भारत है जहाँ बेटियों को पूजा जाता है बावजूद इसके क्या स्थितियां हैं, कि सारी दुनिया के सवालों से बचा लूं तुमको, कि सारी दुनिया के सवालों से बचा लूं तुमको, अपने दिल के किसी कोने में छुपा लूं तुमको, और एक निर्णय भी नहीं, हाथ में मेरे बेटी, कोख मेरी है मगर कैसे बचा लूं तुमको, कि कोख मेरी है मगर कैसे बचा लूं। अरे, ये गजल के दो तीन शेर ये भी सुना देती हूँ। इसी बात को मैं इस तरह भी कहती हूँ, और ये बात देखिए, आप सब लोग, इतने लोग भी यहाँ जुड़े हैं, ये 100% सच है। आप सब इसको महसूस करिए, कि बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, कि बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से। कि बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से, और घर में उसका चांद आया जान करो, कि घर में उसका चांद आया जान करो, छुप के देखे चूड़ियों की कनखियों से। देखे क्या बात है, बहुत शुक्रिया। कि छुप के देखे चूड़ियों की कनखियों से, और मेरी मंजिल क्या है मुझको क्या खबर, कि मेरी मंजिल क्या है मुझको क्या खबर, कह रहा था फूल एक दिन पत्तियों से, कि कह रहा था फूल एक दिन पत्तियों से। और हम सब मोबाइलों से जुड़े हुए हैं, शेर सुनिएगा, कि फोन वो खुशबू कहाँ से ला सकेगा, कि फोन वो खुशबू कहाँ से ला सकेगा, वो जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से। वाह वाह, फोन वो खुशबू कहाँ से ला सकेगा, वो जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से, बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से। और आज बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, बेटियों की चहचहाट, वो कितना तरसता है जिसके घर में बेटियां नहीं है, और मैं भी उसमें से एक अभागा हूँ कि मेरे घर में बेटियां नहीं। अच्छा, अधूरापन है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कि बेटियों के बगैर घर बिल्कुल मौन रहता है। बिल्कुल, मौन के कोलाहल में संताप जो उपज जाता है, मौन के कोलाहल में संताप जो उपज जाता है, नेत्र संवादों सा जो बिछ जाता है, मौन के कोलाहल में संताप जो उपज जाता है, नेत्र संवादों सा जो बिछ जाता है, वेदना की घड़ियां बीत नहीं पाती, वेदना की घड़ियां बीत नहीं पाती हैं, खामोशियां लिखी नहीं पढ़ी जाती। क्या बात, क्या बात, वाह। खामोशियां लिखी नहीं पढ़ी जाती। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी सुमधुर वाणी में जो काव्य पाठ किया, हम सब बहुत आभारी हैं। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने एक और वरिष्ठ कविवर श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से अनुरोध करेंगे कि वो हमको अपनी रचनाओं का श्रवण करवाएं। एक संक्षिप्त सा परिचय मैं वाजपेयी जी का देने की जरूरत कर रहा हूं, कम समझ है मुझे, जितना मुझको ज्ञान हो पाया, पता है कि बहुत बृहद आपका कार्यक्षेत्र है,
आकाशवाणी को आपने बरसों बरस तक अपनी आवाज ली है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, अनेकानेक राष्ट्रीय पर्वों पर आपकी आवाज सुनने को मिलती थी। बहुत जगहों पर आकाशवाणी में आपने अपना योगदान दिया। तो 10 जनवरी 1955 का जन्म और फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट, और देखिए हृदय में काव्य, फिजिक्स और काव्य, हालांकि ये दोनों हम लोग अभी कंपार्टमेंटलाइज करके अलग अलग मानते हैं, लेकिन सब एक है, अंतर्निहित धारा एक बहती है, जो आपके बायोडाटा को पढ़कर और भी पता लगती है कि सब अंदर से जुड़ा हुआ है। आपने विश्व कवि सम्मेलन में वेनेजुएला में भारत का एकमात्र प्रतिनिधित्व किया। अनेकानेक देशों में आपने कविता वाचन किए हैं। चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड आपको मिले हैं। शताधिक कार्यक्रमों के संचालन का अनुभव है आपको। मुझे तो प्रारंभ हो रहा है, आप शताधिक से ज्यादा संचालित कर चुके हैं, तो क्या कहूं मैं। किताबें मच्छर मामा समझ गया हम, खुशबू तो बचा ली जाए। देख लीजिए, हम सब के जीवन से खुशबू जा रही है, किस किस तरह की खुशबू जा रही है, और मुझे मालूम नहीं कि इनमें क्या क्या है। बेजुबान दर्द, इस तरह की पुस्तकें आपने रचित की हैं। ना कोई बोल जब पाए तो कविता बोल देती है। वाजपेयी जी, आप ही की लाइनें में उद्धृत कर रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। स्वागत। ना कोई बोल पाए जब तो कविता बोल देती है, अंधेरों में ये खिड़की रोशनी की खोल देती है। तो ये एक कविता की दो लाइनें कहां दिल में आके छू जाएंगी, ये किसी को नहीं पता। वो क्रौंच वध था जिसने आदि कवि के मुंह से वो निकाल दिए शब्द। तो ऐसे ही क्या संवेदना आके आपके शब्दों से हमको छूने वाली है, हम सबको उसका बेसब्री से इंतजार है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप काव्य पाठ करें। वाजपेयी जी, बहुत बहुत आभार, और मुझे इस अभियान में, इस यज्ञ में जोड़ने के लिए आदरणीय नागेश्वर राव जी, हमारे कुलपति जी डॉक्टर सत्यकाम, और बहुत आत्मीय संचालन कर रहे हैं आप भूपेश जी, बढ़िया अच्छा लग रहा है, और हमारे संयोजक पांडे जी, और जितने लोग यहाँ जुड़े हैं सबका अभिनंदन। और इग्नू से मेरा बहुत पुराना संबंध है, जब आपके रेडियो पाठ्यक्रम की पहली मीटिंग हुई थी, और वहां से मैं जुड़ा रहा हूँ। एक दर्जन से ज्यादा मेरे यूनिट है ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, और बहुत तरह से जुड़ाव है, ऑडियो वीडियो वगैरह वगैरह। तो मुझे अपने परिवार में ही हूँ, रिग्नू में जब भी कविता के लिए आया वहां से बहुत मधुर यादें लेके लौटा हूँ। तो ऐसी जगह होना बहुत हमारे लिए, मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। मैं कविता पाठ शुरू करता हूँ। यहाँ से शुरू करता हूँ कि दर्द अच्छे लोगों के लिए, कि दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, जिनमें खतरे हों उन्हीं राहों पे चल देते हैं, जिनमें खतरे हों उन्हीं राहों पे चल देते हैं, और जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, कि जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते हैं, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते हैं। तो ये मैंने एक पुस्तक से शुरुआत की। ममता जी ने बहुत अच्छे दोहे सुनाए, मैं भी आपको 3-4 दोहे सुनाता हूँ। और एक मेरा अभियान है कि मैं करीब करीब 25 विधाओं में लिखता हूँ, ताकि मेरी विधाएं लुप्त ना हो, वो सिर्फ इतना है। मुख्य विधाएं बेशक गजल है, छंदमुक्त कविता है, गीत है, 4-5 विधाएं जिनमें बहुत नियमित और विपुल लेखन होता है, लेकिन बहुत और सारी विधाओं में मैंने सिर्फ इसलिए लिखता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी उससे जुड़ी तो रहे कम से कम। 3-4 दोहे सिर्फ सुनिएगा। पहला दोहा ये है कि हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, अभी नासा वीनस को या शुक्र ग्रह पे सोच रही है, खोज रही है, कि हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, और मैं अपने ही शहर में खोज रहा इंसान, कि मैं अपने ही शहर में खोज रहा इंसान। अलग अलग रंग के दोहे हैं। एक दोहा ये सुनिएगा कि देखूं जब जब डिग्रियां दिखते हैं हर बार, कि देखूं
जब जब डिग्रियां दिखते हैं हर बार, अम्मा के गिरवी रखे पायल कंगन हार, कि अम्मा के गिरवी रखे पायल कंगन हार। बहुत बहुत मार्मिक है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक दोहा ये सुनिएगा कि ये मन के विश्वास है या है मन के रोग, कि ये मन के विश्वास है या है मन के रोग, क्या क्या भ्रम पाले हुए उम्र गंवाते लोग, क्या भ्रम पाले हुए उम्र गंवाते लोग। जी बहुत आभार आपका। एक दोहा ये कि पिंजरा जब खोला गया कुछ बरसों के बाद, कि पिंजरा जब खोला गया कुछ बरसों के बाद, उड़ लेता था वो कभी उसे नहीं था याद, कि उड़ लेता था वो कभी उसे नहीं था याद। बहुत सारे दोहे हैं। एक दोहा ये कि मूरत भी उस वक्त भी ही बन पाती भगवान, कि मूरत भी उस वक्त ही बन पाती भगवान, प्राण प्रतिष्ठा जब करें उसमें कुछ इंसान, कि प्राण प्रतिष्ठा जब करें उसमें कुछ इंसान। और देखिए ऐसा संयोग बहुत कम होता है, जैसे आपने जो टीम बुलाई है जहां शुद्ध कविताएं सुनने को मिले। आज हमारी कविताएं जिस तरह चैनलों पर कवि सम्मेलनों में जो जो है कविता जिस तरह बाजारू हो रही है, तो ये तो अंतिम दोहा सुनिएगा कि फन के हमारे अपने तथाकथित कवि मित्रों के लिए है कि फन के सौदे खूब कर लेकिन रख एहसास, कि फन के सौदे खूब कर लेकिन रख एहसास, अलग तकाजे पेट के अलग रूह की प्यास, अलग तकाजे पेट के अलग रूह की प्यास। बहुत बहुत आभार। अब मैं कुछ माहिए सुनाता हूँ। देखिये माधव कौशिक जी बैठे पंजाब, हमारी मिट्टी का छंद है और वो तो नहीं होना चाहिए। जी जी मैं तीन चार माहिए सुनाता हूँ आपको जी, जी। और माहिया तो गा के सुनाते हैं, मैं सुनाता हूँ जी, जी। कि जो लोग शिखर पर हैं, जो लोग शिखर पर हैं, काश उन्हें देखें जो नींव के पत्थर हैं, जो लोग शिखर पर हैं, काश उन्हें देखें जो नींव के पत्थर हैं। और दूसरा सुनिएगा जी, ये पीड़ाओं का घर है, पीड़ाओं का घर है, जो भी है दुनिया रहना तो यहीं पर है, दुनिया रहना तो यहीं पर है। अभी कोरोना काल में लोग बहुत डराते हैं, घर से बाहर मत निकलिए, ये वो करिए, मांगिया सुनिएगा कि जब उम्र ये पूरी है, जब उम्र ये पूरी है, अमृत क्यों खोजूं मरना भी जरूरी है, मरना भी जरूरी है। और इधर मैंने देखा कि बहुत सारा लोग अवसादग्रस्त हुए अकेलेपन से, इसलिए एक ये माहिया सुनेगा जी, बस ये ही तरीका है, बस ये ही तरीका है, दिल में रंग भरो वरना सब फीका है। और अंतिम माहिया सुनाता हूं, देखिए जिंदगी पे सबने कुछ कहा है, ये छोटा सा माहिया सुनिए मेरी तरफ से, कि जीवन एक लोरी है, जीवन एक लोरी है, झूला सपनों का और वक्त की डोरी है, झूला सपनों का और वक्त की डोरी है। ये मैंने आपसे माहिया साझा किए। एक मैं गजल आपसे साझा करता हूं जी, जी। गजल यूं है कि घर सामने बहती हुई नदियां नहीं होती, घर सामने बहती हुई नदियां नहीं होती, इंसान के हाथों बनी नौका नहीं होती, कि घर सामने बहती हुई नदियां नहीं होती, इंसान के हाथों बनी नौका नहीं होती। और शेर यह है कि कह देता है इंसान इशारों, कह देता है इंसान इशारों में बहुत कुछ, कह देता है इंसान इशारों में बहुत कुछ, शब्दों से बनी भाषा ही भाषा नहीं होती, शब्दों से बनी भाषा ही भाषा नहीं होती। और जितने विद्यार्थी यहाँ पर सुन रहे हैं उनको ये शेर भेंट करता हूं, ध्यान से सुने और इस पर अमल करें। कि सिमटा तो एक तंग से घेरे में रह गया,
सिमटा एक तंग से घेरे में रह गया, उड़ जाता तो आकाश की सीमा नहीं होती। कि सिमटा तो एक तंग से घेरे में रह गया, उड़ जाता तो आकाश की सीमा नहीं होती। और एक शेर, ये बेटी की बात चल रही थी कि अनुभव से बताता हूं कि बेनूर है वो घर, कि अनुभव से बताता हूं कि बेनूर है वो घर, जिस घर में कि एक प्यारी सी बिटिया नहीं होती। बिल्कुल, जिस घर में एक प्यारी सी बिटिया नहीं होती। और एक शेर ये सादा सा कि इस बात में पशु पक्षी हैं इंसानों से बेहतर। अभी त्रिखा जी ने बहुत अच्छी कविता सुनाई, आप भी एक बात कह रहे थे दिल्ली में जो कुछ हुआ, इस बात में पशु पक्षी हैं इंसानों से बेहतर मजहब की कभी। बिल्कुल, इस बात में पशु पक्षी हैं इंसानों से बेहतर कि मजहब की कभी कोई समस्या नहीं होती। और गजल का आखिरी शेर कि महसूस बहुत होता है उस वक्त शजर को, कि महसूस बहुत होता है उस वक्त शजर को बतियाने को जब एक भी चिड़िया नहीं होती। बतियाने को जब एक भी चिड़िया नहीं होती। तो मेरा समय बस थोड़ा दो चार मिनट जो बाकी, में एक कविता सुनाना चाहूंगा, कविता और ये कविता मैं जरूर सुनाता हूँ क्योंकि हमने इतनी तरक्की कर ली कि हम आए दिन, अभी तो खैर लॉकडाउन है वरना रोज रोड रेज होता है, एक मिनट में व्यक्ति हत्यारा बन जाता है। छोटी सी कविता, इसका शीर्षक वे लोग। वे लोग, एक कविता सुनेगा कि वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने। कि वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने। छतों पर बिखेरते थे बाजरे के दाने की आकर चुक सके चिड़िया। वे घर के बाहर बनवाते थे एक हौदी कि आते जाते प्यासे जानवर पी सके पानी। भोजन प्रारंभ करने से पहले वे लोग निकालते थे गाय और दूसरे प्राणियों का हिस्सा। कि भोजन प्रारंभ करने से पहले वे लोग निकालते थे गाय और दूसरे प्राणियों का हिस्सा। सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से पत्ती तक। एक मिनट माफ करिएगा जरा। जी माफ करिएगा, वो घर में कुछ काम चल रहा था। कोई नहीं जी, मैं दोबारा सुनाता हूँ कि वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने। छतों पर बिखेरते थे बाजरे के दाने की आकर चुक सके चिड़िया। वे घर के बाहर बनवाते थे एक हौदी की आते जाते प्यासे जानवर पी सके पानी। भोजन प्रारंभ करने से पहले वे लोग निकालते थे गाय और दूसरे प्राणियों का हिस्सा। सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से पत्ती तक। सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से पत्ती तक कि खलल न पड़ जाए सोए हुए पेड़ों की नींद में। कि खलल न पड़ जाए सोए हुए पेड़ों की नींद में। जब चिड़ियों के झुंड आज उठते थे उनकी फसलों पर तो वे उन्हें भगाने की बजाय कहते थे राम की चिड़ैया राम के खेत और खावरी चिड़ैयो भर भर पेट। राम की चिड़ैया राम के खेत और खावरी चिड़ैयो भर भर पेट। वे अपनी तरफ से शुरू कर देते थे बात, अजनबी से पूछ लेते थे उनका परिचय। जरूरतमंद की दिल खोल कर करते थे मदद। बस्ती में कोई पूछे किसी का मकान तो पहुंचा कर आते थे उस मकान तक। कोई भूला भटका अनजान मुसाफिर आ जाए रात बिरात तो करते थे भोजन और विश्राम की व्यवस्था। संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में मौजूद हो उनकी प्रजाति के कुछ लोग। संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में मौजूद हों उनकी प्रजाति के कुछ लोग। काश ऐसे लोगों का बन सकता एक संग्रहालय कि आने वाली पीढ़ियों के लोग जान पाते कि जीने का एक अंदाज ऐसा भी था बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर आपने बात उठाई है वाजपेयी जी, बहुत बढ़िया। ऐसे लोग कहाँ गुम गए, न जाने कहाँ खो गए वो लोग, आपके कविताएं दो लाइनें मैं पढ़ने की इजाजत चाहूंगा। जरूर, एक पल को,
एक पल को एक पागल भीड़ खूनी हो गई, एक पल को एक पागल भीड़ खूनी हो गई, जिंदगी भर के लिए एक मांग सुनी। तो और आज ऐसे लोग ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं जो चिड़िया को पानी दे और दाना रखे। होंगे जरूर वो लोग, कहीं ना कहीं कंदराओं में होंगे, हम स्वयं भी वो बन क्यों ना बने, जो गाय के लिए रोटी निकालें, कुत्ते के लिए रोटी निकालें, या कि सिर्फ श्राद्ध में पूर्वजों के लिए ही दो पूड़ी रखेंगे छत पर। वो लोग हम ही बनेंगे और कोई नहीं बन सकता। बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी आपके सुमधुर कविता पाठ का, ओजस्वी कविता पाठ का, और हम आपको बार बार अनेक बार सुनना चाहेंगे। जरूर। एक इस पे मुझे दो लाइनें याद आ गई थी कि वो परिंदे कहां उड़ गए जो साकल खड़का के छुप जाते थे, गर्म जेठ महीने की दोपहरिया में लू के थपेड़ों संग गुनगुनाते थे, आषाढ़ी जामुन की ललक में अमराव अमराई की छांव तले ऊंघते बतियाते थे, ऐसी गर्म दोपहरों को अकेले भी काटता था क्या कोई, मिलने खेलने बतियाने के हजार बहाने ढूंढ लाते थे, देखना अब तो सब गलियां सुनसान सी पड़ी हैं, सब अपने अपने घरों में इंटरनेट है, ये है वो है, हम बच्चों को बाहर खेलने नहीं जाने देते, अब तो ये सब गलियां सुनसान सी पड़ी हैं, अपने लंबे सकरे होने के बोझ तले चुपचाप सी खड़ी, ना हुड़दंग ना मस्ती ना कोई चहचहाना, ना हुड़दंग ना मस्ती ना कोई चहचहाना, ऐसी लंबी सकरी उम्रों से तो बेहतर है मर जाना, इतनी खामोश हूं अब तो कोई कुत्ता भी डेरा ना डाले, इतनी खामोश हूं अब तो कोई कुत्ता भी डेरा ना डाले, चिरैया गोरैया सुग्गा कबूतर सब उड़ गए प्यारे, सब अपने अपने जॉब्स में भाग गए, अकेले सिसकी भरने में भी डर लगता है अब तो, अकेले सिसकी भरने में भी डर लगता है अब तो, न जाने नामुराद जन्मी ही क्यों थी, हो गई लंबी होली सकरी, अब कुछ गुजरता नहीं यहां से, सारी गलियां सुनी हैं, अब कुछ गुजरता नहीं यहां से, जल्दी से दोनों दीवारें जुड़ जाएं, काश गुम हो जाए हवा विलीन हो ये आकाश। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम कवि नहीं कहूंगा, लेकिन क्रमानुसार अंत में बुला रहा हूं वरिष्ठ कवि हमारे साथ, उन्होंने बहुत सारा हमको कविता पाठ, हमने उनका पहले भी सुना है, बहुत मन से सुना है, आज उनके श्रीमुख से सामने से सुनने का मौका मिल रहा है हमको। माधव कौशिक जी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि वो हमको काव्य पाठ करें। मैं बहुत जल्दी जल्दी से, अगर संक्षिप्त पर चलूं क्योंकि 15 मिनट ही सिर्फ अब हमारे पास बचे हैं और उसमें धन्यवाद ज्ञापन भी हो जाएगा। एक कविता के माध्यम से सर, मैं एक आप ही की कविता के माध्यम से आपका परिचय बस देता हूं। बस एक काम यही बार बार करता था, बस एक काम यही बार बार करता था, भंवर के बीच से दरिया को पार करता था, उसी की पीठ पर उपमों के जो हर लड़ाई में पीछे से वार करता था, सुना है वक्त ने उसको बना दिया पत्थर, जो रोज वक्त को भी संगसार करता था। तो मैं माधव कौशिक जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वो हमको काव्य पाठ से अनुग्रहित करें। सर माइक आपका बंद है सर। सर आप माइक को जी आ गए। नमस्कार, सभी को प्रणाम। आदरणीय नागेश्वर राव जी, हमारे परम मित्र डॉक्टर सत्यकांत जी, सभी मित्र लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, त्रिखा जी,
किरण जी, पांडे जी, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई साधुवाद, जो आपने हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया और उसमें कवि सम्मेलन और ऐसे रचनाकारों को आमंत्रित किया, हिंदी कविता जिन पे गर्व करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस एक छोटे से अंतराल में आपने अनुभव किया होगा कि कविता के सारे रूप, लगभग गीत भी, गजल भी, दोहा भी, माहिया भी, मुक्त छंद की कविता भी, इन सब रचनाकार मित्रों ने एक ऐसा काव्य का गुलदस्ता हमारे सामने रखा, नई से नई संवेदनाएं, नए से नए विचार, जागरूक करने वाली कविताएं, और विशेष तौर पे सत्यकाम जी और साहित्य अकादमी के मध्य एक सार्थक सेतु का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी भी हैं, संपादित भी की हैं। तो इनके सौजन्य से मुझे लगता है साहित्य अकादमी और इग्नू बहुत अधिक नजदीक आए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिवादन अभिनंदन भी करता हूँ, और कुछ मित्रों पे सच में गर्व होता है, क्योंकि वो जिस भाव से कार्य करते हैं, जिस समर्पण भाव से, निष्ठा से, आजकल जैसे हमारे मित्र लक्ष्मी शंकर जी कह रहे थे, लुप्त होती प्रजाति के लोग भगवान इन्हें बचा के रखे और इनकी सेहत ईश्वर बना के रखे। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ सीधा सीधा कविता पाठ में आता हूँ। खास तौर पे मैंने ये कविताएं विशेष तौर पे चयनित की क्योंकि इग्नू को सुनने वाले विद्यार्थी हैं और मैं नई पीढ़ी के साथ जुड़ने का एक तरह से प्रयास कर रहा हूँ। कुछ गजल के शेर देखिए कि दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे, दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे, आंखें दे या मत दे लेकिन सपना सही सलामत दे। दिल में हरदम चुभने वाला कौशिक जी, वाह वाह, कांटा सही, धन्यवाद। दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे, आंखें दे या मत दे लेकिन सपना सही सलामत दे। और शेर देखिए कि हमें युद्ध आतंक भूख से मारी धरती बख्शी है, हमें युद्ध आतंक भूख से मारी धरती बख्शी है, आने वाली पीढ़ी को तो दुनिया सही सलामत दे। हमें आतंक भूख से मारी धरती बख्शी है, आने वाली पीढ़ी को तो दुनिया सही सलामत दे। और ये शेर देखिए और आज के वातावरण को ध्यान में रखिए कि बच्चे भी अब खेल रहे हैं खतरनाक हथियारों से, बच्चे भी अब खेल रहे हैं खतरनाक हथियारों से, बचपन की बगिया को कोई गुड़िया सही सलामत दे। बच्चे भी अब खेल रहे हैं खतरनाक हथियारों से, बचपन की बगिया को कोई गुड़िया सही सलामत दे, और दावा है मैं एक दिन उसको दरिया करके छोड़ूंगा। बहुत बड़ा, मैं एक दिन उसको दरिया करके छोड़ूंगा, खुदी हथेली पर आंसू का कतरा सही सलामत दे। दावा है, दावा है मैं एक दिन उसको दरिया करके छोड़ूंगा, खुली हथेली पर आंसू का कतरा सही सलामत दे। छेद देखिए कि आधी और अधूरी हसरत कब तक जिंदा रखेगी, आधी और अधूरी हसरत कब तक जिंदा रखेगी, कागज पर ही दे पर घर का नक्शा सही सलामत दे। आधी और अधूरी हसरत कब तक जिंदा रखेगी, कागज पर ही दे पर घर का नक्शा सही सलामत। और ये आखिरी शेर, भीड़ भरी दुनिया में सबकी अलग अलग पहचान तो हो, भीड़ भरी दुनिया में सबकी अलग अलग पहचान तो हो, इसीलिए हर एक इंसान को चेहरा सही सलामत दे। भीड़ भरी दुनिया में सबकी अलग अलग पहचान तो हो, इसीलिए हर एक इंसान को चेहरा सही सलामत दे, दिल में हरदम चुभने वाला
कांटा सही सलामत दे, आंखें दे या मत दे, लेकिन सपना सही सलामत दे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया माधव जी, बहुत बढ़िया। एक गजल के और दो चार शेर देखिए। जी 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 सर। कि सदियों बाद हमारे मन में जागा है विश्वास नया, ये वो बिल्कुल ताजा गजलें हैं जो लक्ष्मी शंकर ने अपनी पत्रिका के इसी ताजा अंक में छापी है, तो खासतौर पर बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ। अच्छे, सदियों बाद हमारे मन में जागा है विश्वास नया, वक्त मिला तो हम भी यारो लिख देंगे इतिहास नया। बाद हमारे मन में जागा है विश्वास नया, वक्त मिला हम भी यारो लिख देंगे इतिहास नया। और शेर देखिए कि मुरझाए फूलों की कीमत छे फूल से क्यों ना कहूं, मुरझाए फूलों की कीमत छिले फूल से क्यों ना कहें, पतझर के मौसम को हमने समझा है मधुमास नया। फूलों की कीमत खिले फूल से क्यों आके, पतझर के मौसम को हमने समझा है मधुमास नया। और ये शेर देखिए कि चलो सजन की धूप छाव से रंग भरे आवाजों में, चलो सजन की धूप छाव से रंग भरे आवाजों में, धरती बिल्कुल नई नई है निर्मल आकाश नया। चलो सजन की धूप छाव से रंग भरे आवाजों में, धरती बिल्कुल नई नई है निर्मल आकाश नया। और पिछली पूरी रात अंधेरों से लड़ने में बीत गई, शेर देखिए भाई, कि पिछली पूरी रात अंधेरों से लड़ने में बीत गई, मुझे चिरागों को छूने से होता है एहसास नया। पिछली पूरी रात अंधेरों से लड़ने में बीत गई, मुझे चिरागों को छूने से होता है एहसास नया। और ये आखिरी शेर देखिए कि बेहतर है हर एक मुसाफिर चले अंधेरी राहों पर, बेहतर है हर एक मुसाफिर चले अंधेरी राहों पर, कहीं पुरानी पगडंडी पर उगाए ना घास नया। बेहतर है हर एक मुसाफिर चले अंधेरी राहों पर, कहीं पुरानी पगडंडी पर उगाए ना घास नया। और सदियों बाद हमारे मन में जागा है विश्वास नया, वक्त मिला तो हम भी यारो लिख देंगे इतिहास नया। आसमान, अगर समय हो तो एक गजल के थोड़े से और। शाद 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 एकदम, अरे जरूर जरूर, हमें फिर नहीं मिलेगा, हम आपको पकड़ के रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ये आज की जो परिवेश है, जिस परिवेश में हम असमंजस से मेरी है, आप शेर देखिए कि क्या बताएं दरमया अब फासला कोई नहीं, क्या बताएं दरमया अब फासला कोई नहीं, सामने मंजिल है लेकिन रास्ता कोई नहीं, क्या बताएं दरमया अब फासला कोई नहीं, सामने मंजिल है लेकिन रास्ता कोई नहीं। और शेर देखिए कि जहन में पसरा हुआ है एक रेगिस्तान सा, जहन में पसरा हुआ है एक रेगिस्तान सा, कल बरसात में भी भीगता कोई नहीं। क्या बात, जहन में पसरा हुआ है, जहन में पसरा हुआ है रेगिस्तान सा, आज कल बरसात में भी भीगता कोई नहीं। देखिए के जाए जा सूरत का अपनी ले तो आखिर किस तरह, जाए जा सूरत का अपनी ले तो आखिर किस तरह, शहर शीशे का है लेकिन आईना कोई नहीं, कोई नहीं। अरे वाह वाह, माला कौशिक जी, वाह, जाए जा सूरत का अपनी
ले तो आखिर किस तरह, शहर शीशे का है लेकिन आईना कोई नहीं। और शेर देखिए कि उससे क्या उम्मीद रखे अब कोई भी आदमी, उससे क्या उम्मीद रखे अब कोई भी आदमी, आदमी जितना है उतना खोखला कोई नहीं। उससे क्या उम्मीद रखे अब कोई भी आदमी, आदमी जितना है उतना खोखला कोई नहीं, कोई नहीं। और ये शेर बिल्कुल गजल की भाषा का शेर कि फिर किसी के पांव की आहट सुनाई दी मुझे, फिर किसी के पांव आहट सुनाई दी मुझे, घर में पर मेरे अलावा दूसरा कोई। बहुत फिर किसी के पांव की आहट सुनाई दी मुझे, घर में पर मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं। और ये शेर विशेष तौर पे कि मेरी बस्ती के सभी लोगों को जाने क्या हुआ, मेरी बस्ती के सभी लोगों को जाने क्या हुआ, देखते रहते हैं सारे बोलता कोई नहीं। मेरी बस्ती के सभी लोगों को जाने क्या हुआ, देखते रहते हैं सारे बोलता कोई नहीं। बड़ा ये आखिरी शेर आप सभी के नाम, कलमकारों के नाम, के हंसते हंसते ही हटा दे सबके चेहरों से नकाब, हंसते हंसते ही हटा दे सबके चेहरों से नकाब, ऐसा लगता है शहर में सरफिरा कोई कोई नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबके चेहरों से नकाब, ऐसा लगता है शहर में सरफिरा कोई नहीं, क्या बताएं दरमया अब फासला कोई नहीं, सामने मंजिल है लेकिन रास्ता कोई नहीं। नवीनतम रचनाओं से आपने हमें नवाजा है, आप सभी का हार्दिक अभिवादन अभिनंदन। सत्यकांत जी आपकी पूरी टीम को, कुलपति महोदय को, पांडे जी को, खत्री साहब को, कि आपने ऐसे ऐसे लोगों के साथ जब कविता पाठ करते हैं तो लगता है जैसे कि कविता अभी उसी मकाम पे है जिस मकाम पे उसे होना चाहिए। ये आश्वस्ति आपने दिलाई, मैं सत्यकाम जी का आभारी हूँ कि उसने इन कलमकारों को इकट्ठा किया, और इसी तरह आप अपना स्नेह सानिध्य बनाते रहिए और साहित्य अकादमी को भी अनुग्रहित करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया माधव कौशिक जी, हम लोग हृदय से आभारी हैं, इतनी सुंदर और नवीनतम रचनाओं का आपने कोई नहीं। अरे माधव कौशिक जी आपने तो दिल जीत लिया भाई, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं वाजपेयी जी को देख रहा था तो वाजपेयी जी को देखते हुए कुछ पंक्तियां लिख डाली मैंने यहाँ, दीवार उठा रहे हैं। ममता जी बोल रही थी कि बच्चे चले गए अब क्या दीवार और क्या घर, तो वाजपेयी जी को बच्चे चले गए लेकिन अभी भी वो दीवार उठवा रहे हैं, पुतवा रहे हैं, देख रहा हूँ आते जाते लोग और वाजपेयी जी कविता सुना रहे हैं। तो मैं ये देख रहा था कि वाजपेयी जी बहुत विचलित हो रहे थे जब पीछे जो काम करने वाले लोग हैं आ रहे थे जा रहे थे, और वाजपेयी जी कभी ये इशारा कर रहे थे ये इशारा कर रहे थे, तो मुझे लगा कि वो हो गया नहीं वाजपेयी जी का, अभी भी घर पुतवाने और रंगवाने में लगे हुए, कभी ऐसा ही होता है, मोह ग्रस्त भी होता है और मोह से मुक्त भी होता है। ये कुछ मित्रता की हल्की फुल्की बातें थी। आज आप लोगों को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कवि होता तो कविता लिखता। बहुत 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 अच्छा लगा मुझे आज सारे मित्र लोग यहाँ उपस्थित हुए, और मेरे लिए मेरे ये मित्र
एक तरह से कविता ही है। जब हम लोग मिलते हैं माधव जी से मुलाकात होती है और फोन पर भी जब उनसे मुलाकात होती है तो लगता है कि वो मुझे गलबहियां लगा रहे हैं और मैं बिल्कुल भाव विभोर हो उठता हूं। इतनी व्यस्तता के बावजूद आप लोग यहाँ आए और अपना समय दिया और सबसे बड़ी बात कि जो कविताएं आप लोगों ने सुनाई वो कविताएं बिल्कुल तरोताजा थीं और उसमें एक गंभीर भी था और अपना जो समय था जो परिवेश था वो परिवेश को आपने बताया। चंद्र त्रिखा जी ने वो सारी परंपरा और सारा संघर्ष सारा जो समय है उस समय को सामने रख दिया और वो विभाजन से लेकर आज तक जो संतरास भारत झेल रहा है उसको उन्होंने अपने शब्दों में लिख दिया। ममता जी ने अपना दर्द सुनाया, चंद्र त्रिखा जी ने देश का दर्द सुनाया, सब लोगों के अंदर एक दर्द है। माधव जी ने उस दर्द को जितनी सहजता से हमारे सामने रख दिया वह बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी यारबाश आदमी है, हम खूब बैठते हैं साथ में, बहुत पुराना रिश्ता है हमारा और बहुत सारी बातें हम करते हैं जब इकट्ठे होते हैं और वो जिस दिन जिस दर्द को कुछ झेल लेने को और खुशियों की फसल देने की बात कहते हैं और सामने बहती नदियों की बात करते हैं कि उसके बिना नौका नहीं होती। भूपेश जी ने एक बात कही कि मेहमान क्यों नहीं आते, तो मैं एक दिन बैठा हुआ था और मेरे पास एक निमंत्रण आया और एक निमंत्रण आया कि मेरी बिटिया की शादी है और आप जरूर आना उसमें। और किसी मेरे साथी को उसने फोन किया, मेरे दोस्त ने, कि आप जा रहे हो क्या वहां? कहे यार पता नहीं मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। तो उसने कहा कि और ये बिल्कुल सही बात है, व्हाट्सएप की खबर नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। ये उसने कहा यार मेरा तो वेटिंग लिस्ट नंबर 1 है, उन्होंने ये कहा है कि अभी रुक जाओ, अगर कोई नहीं आएगा तो तुम आना। तो उसी समय 2-4 पंक्तियां मेरे दिमाग में आई तो आपके साथ साझा कर लेता हूं। इस शादी में बुलावा आना दुविधा है आज के अभी। वैसे तो बहुत मजा आता है कि हम मिलेंगे और माधव जी मिलेंगे और वाजपेयी जी मिलेंगे तो एक साथ बैठेंगे गप्पे करेंगे, लेकिन आज शादी में बुलाना आना एक दुविधा है, ना आना खुशकिस्मती। शादी में बुलावा आना एक दुविधा है, ना आना खुशकिस्मती। अगर आप प्रतीक्षा सूची में हैं तो ईश्वर से मनाइए, अगर आप प्रतीक्षा सूची में हैं तो ईश्वर से मनाइए कि आपका न्योता कन्फर्म ना हो। अगर आप प्रतीक्षा सूची में हैं तो ईश्वर से मनाइए कि आपका न्योता कन्फर्म ना हो। अगर आपका जिक्र कहीं नहीं है, अगर आपका जिक्र कहीं नहीं है तो आपकी खुशकिस्मती। जश्न मनाओ कि न्योता नहीं आया, कहना माकूल हुआ, जान बची और लाखों पाए। तो ये जो कोरोना ने ये जो माहौल बना दिया है उसमें अब ऐसी ही चिंताएं, ऐसी ही वादियां और ऐसा ही। लेकिन माधव जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, आज का मिलन, ममता जी और त्रिखा जी, आज का मिलन अधूरा रहा क्योंकि इग्नू आई है थोड़ा जंप करेंगे तभी। हाँ, और आके यहां ठहरिए और सुबह में जो चिड़ियों का कलरव है वो सुनिए। मैंने एक दिन रिकॉर्ड किया यहाँ और ये देखा कि अलग अलग चिड़ियां अलग अलग भाषा बोलती और इतना इतना अच्छा लगता है। इग्नू में जो सूर्य उगता है, आप लोग रहे तो इतनी कविताएं लिखते हैं आप लोग, भूपेश जी लिखते रहते हैं,
तो इग्नू कवि के लिए एक स्वर्ग है, तो इसलिए इसलिए जैसे ही इस कोरोना देवी का आशीर्वाद समाप्त होता है तो हम लोग मिलेंगे, बैठेंगे, शाम में बैठेंगे, कविताएं सुनेंगे, सुबह उठेंगे कविताएं सुनेंगे और कविताओं में ही डूब जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उसके सुनहरे बाल देखे थे, मैंने उसके सुनहरे बाल देखे थे, बालों पर गिरता हुआ रूही का फाहा भी देखा था, मैं कवि होता तो कविता लिखता। बहुत धन्यवाद। बोल दी आपने, कविता ही बोल दी। अब यदि सभी की अनुमति हो और वाइस चांसलर जी कुलपति महोदय भी अनुमति दें तो इस कार्यक्रम को समाप्त घोषित किया जाए। संभवतः बीसी जी लाइन पे नहीं है तो मैं सम कुलपति जी से इजाजत चाहता हूँ इस कार्यक्रम को विराम देने की अनुमति प्रदान करें। जी, हमारा कार्यक्रम बहुत ही सुखद, बहुत सुखद रूप में समाप्त हुआ। बहुत अच्छी कविताएं, गजल और माहिया सुनी हम लोगों ने, और अच्छा कहा वाजपेयी जी ने कि जो विधाएं विलुप्त हो रही हैं उसमें कविता लिखना बहुत जरूरी है। और खड़ी कविता तो मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे अच्छी कविता लगती है माधव कौशिक जी की, वाजपेयी जी की, ममता जी की, जो खड़ी कविता नहीं है। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं कुछ लाइनें मेहमान नहीं आने पे पढ़ देता हूँ जो मैंने लिखी थी। हमारे पढ़ दो, मेहमान नहीं आते, पढ़ दो। ये क्या हो गया है कि मेहमान नहीं आते, है दूरियां बनाते थे पहले तो बहुत ही देखते मुस्कुराते, मिलते जरा गलियों में थे टपाक से आगे बढ़कर गले से थे लग जाते, ये क्या हो गया है कि मेहमान नहीं आते, मेहमान क्या नहीं आते कौन हम हैं कहीं जाते, मेहमान क्या नहीं आते कौन हम हैं कहीं जाते, मुद्दत हुई जाती है अब तो बुलाए भी नहीं जाते, तो सोचते हम कैसे कैसे हुए जाते, हम भी हैं यही सोच रहे उनको क्या हुआ है, यह सोच सोच कर बस हम रहे दूरियां बढ़ाते और पूछते एक दूसरे से भाई ये हो क्या गया है मेहमान नहीं आते, जो आ भी गया कोई, जो आ भी गया कोई झट झट पूछते हम खुद से ये आ गया है क्यों, कुछ पूछते सक जाते मन ही मन में डरते, मन ही मन में डरते रह जाए ना ये रुक कर, हंस हंस कर है छुटलाते, फिर पूछते हैं सबसे भला क्या हुआ है सबको मेहमान। नमस्कार, नमस्कार, एक बार सबको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं माधव जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, ममता जी, फिर से। अच्छा, नमस्कार, नमस्कार सबको, नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। सर समाप्त कर, हो गया सभी? अभी भूपेश जी अभी रुके रहिए जी।